नमस्कार। देखे प्राप्तार्थ झाले जे निष्कामता पावले तयाही कर्तव्य असे उरले लोकालागी। 31वी ओवी ज्ञानेश्वरी नित्यपाठ। ये असली में ज्ञानेश्वरी में तीसरे अध्याय में 155वी ओवी है और ये कर्मण्येव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ये श्लोक के ऊपर आइए। कर्म के योग से जनक राजा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अभी आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके पास बचा क्या करने को, लेकिन फिर भी वो निरीक्षक हो गए हैं ना, तो अच्छी जिंदगी जी के सारी दुनिया को इंस्पायर करते हैं कि अच्छी जिंदगी जिए। चलिए अच्छी जिंदगी जिए, हर कोई अच्छी जिंदगी जिएगा तो क्या होगा, स्वानंद बोध पाटन राम राज्य आनंदवन भवन निर्माण होगा, सब अच्छे मार्ग पर चलने लगेंगे। तो ऐसे 24/7 योग युक्त होके विभक्त न सावित्री भक्त होना है, ऐसे वो जिंदगी जीते हैं और उनके साथ जो भी आते हैं वो सब अपने जीवन की धन्यता करवा लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो ही जाता है। फिर जैसे हमने बार बार देखा कि 24/7 सुंदर जिंदगी जी रहे हैं तो उनका जीवन पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर वो निर्माल्य होके या तो गंगा में बहा दिया जाता है या हमारा जो शरीर है उसकी तो वो रक्षा हो जाती है, फिर वो गंगा में बहा दी जाती है। इतना सुंदर जीवन जीते जीते जी भी वो शुद्ध जीवन जीते हैं और मरने के बाद भी वो गंगा में बहा दिए जाएंगे, इतना शुद्ध जीवन जीते, यानी हर घड़ी हर क्षण शुद्ध जीवन जी सकते हैं, इनका कहने का मतलब। तो वैसा हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।